जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल संदीप बिगनर में। देखिए आज जो हम बात करेंगे, आज हम बात करेंगे आरपीएफ की न्यू वैकेंसी लिए। आप सभी को पता है आरपीएफ की न्यू वैकेंसी आई है कॉन्स्टेबल एंड एसआई दोनों की, उसके फॉर्म अभी चल ही रहे हैं। ठीक है, जिसने अभी तक फॉर्म नहीं भरा हो वो भर दें जरूर। और खास करके ये वीडियो है लड़कियों के लिए, क्योंकि लड़कियों के लिए इसमें सिलेक्शन बहुत ज़्यादा आसान रहता है। वो अभी मैं आपको विद प्रूफ दिखाऊंगा, और इसी भर्ती में नहीं पिछली सभी वैकेंसी से ऐसा होता आया है, तो उसको आपको बताऊंगा। इसलिए अभी तक जिन्होंने भी लड़कियों ने फॉर्म नहीं भरा है वो इसमें अवश्य भर दें। ठीक है, पहले मैं इसको बता देता हूँ कि क्यों आपके लिए इसमें सिलेक्शन लेना बहुत ज़्यादा आसान है। विद प्रूफ यहाँ बात करेंगे। देखिए आपको मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ इसकी कट ऑफ का, एक जो मैंने यहाँ लिख दिया है आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, वहाँ भी वीडियो रोक के देख लेना, नहीं मैं आपको यहाँ अच्छे से समझा रहा हूँ। देखिए ये ना पिछली भर्ती की कट ऑफ है, ये तो है फीमेल की, ये है मेल की, और इसमें ग्रुप वाइज जात गई ना पिछली एज कट ऑफ, तो जैसे ए ग्रुप बी सी, और ये जो मैंने कट ऑफ लिखी है ना ये सिर्फ और सिर्फ जनरल की कट ऑफ है, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। इसी तरीके से बाकी एस सी एस टी ओ बी सी आपके जो ईडब्ल्यूएस जुड़ा हुआ है सब में इसी तरीके से इनका कट ऑफ का अंतर रहता है। यहाँ मैंने एक लिख दी बस आपको दिखाने के लिए जनरल की। अब यहाँ आप देखिए ये जो कट ऑफ है फीमेल की ये गई है 57। ठीक है, यहाँ अगर पूरी देखें तो 57.21 और यहाँ पर गई है 83.82, यानी कि यहाँ ओवरऑल देखें तो 83 कट ऑफ गई है, यहाँ गई है 57। देख लो 2-4-6 नंबर का नहीं, यहाँ पर कितने अंकों का अंतर है आप यहाँ देख सकते हो। ये ग्रुप बी में यहाँ पर फीमेल गई है 61 और यहाँ गई है 89, देख सकते हैं आप। यहाँ ग्रुप सी में ये गई है 53.38 और यहाँ गई है 87। यहाँ आप देख सकते हैं कितना बड़ा अंतर आ रहा है। ये फीमेल की कट ऑफ में हमेशा अंतर रहता है, लेकिन ये रहता भी किस वजह से अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा। ये गई है 74 और यहाँ देखो 170 है। टोटल जो पेपर है वो 120 नंबर का था, उसमें से लगभग पूरा सा कट ऑफ चलेगी 117.83 और यहाँ गई सिर्फ और सिर्फ 74। आप ये अब अंदाजा लगा लीजिए कितनी कट ऑफ कम जाती है। यहाँ पर गई है 42 और यहाँ गई है 50। ठीक है, अब ये कट ऑफ कम क्यों जाती है, लड़कियों के लिए क्यों फायदा रहता है इसमें। देखिए यहाँ सबसे पहले बात करें अगर हाइट की, तो यहाँ पर जो हाइट है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की 157 सेंटीमीटर मांगी जाती है, जो कि लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ इन कैटेगरियों में यूपी पुलिस की ही बात करें तो वहाँ पर 152 सेंटीमीटर मांगी जाती है, जो कि यहाँ पर एस सी एस टी के लिए मांगी जाती है इतनी। ठीक है, तो इसलिए अगर किसी भी मतलब जो जिन लड़कियों की इतनी हाइट है ना 157 सेंटीमीटर जो इस कैटेगरी में है और जो इसमें है उनकी इतनी है, तो इसमें फॉर्म अवश्य भरें, क्योंकि इतनी जो हाइट है ना हर किसी लड़की की नहीं होती। इसलिए इसमें जिन्होंने फॉर्म भर दिया वो इस जो कट ऑफ में आपको बता रहा हूँ इसलिए अंतर रहता है। अभी तो ये हाइट की बात है, अब रही है हाई जंप और लॉन्ग जंप। जैसे यूपी पुलिस में क्या है, यूपी पुलिस में सिर्फ और सिर्फ रनिंग करनी होती है और अपनी हाइट मैंने आपको बता दी। यहाँ क्या है, यहाँ हाई जंप भी है लॉन्ग जंप भी है। यहाँ पर हाई जंप है जो 3 फीट होती है और लॉन्ग जंप होती है 9 फीट। ठीक है, हाई जंप 3 फुट होती है और लॉन्ग जंप होती है 9 फीट। अब ये दो चीज़ें हो गई, अब उसके बाद आती है रनिंग। यहाँ पर जो रनिंग होती है इनकी होती है 800 मीटर। ठीक है, रनिंग होती है 800 मीटर और यहाँ पर ये जो टाइम है ये है 3 मिनट 40 सेकंड। कितना टाइम है, 3 मिनट 40 सेकंड। तो इस वजह से इतना सारा क्राइटेरिया इसमें से ये जो इन चीज़ों को देख करके बहुत सारी लड़कियाँ तो फॉर्म ही नहीं भरती हैं। बहुत सारी लड़कियाँ तो क्या करती हैं, इस वजह से वो इसमें फॉर्म ही नहीं भरती हैं, और जो फॉर्म भर देती हैं उनकी हाइट की प्रॉब्लम होती है तो वो हाइट में निकल जाती है, कोई हाइट बैठ गई तो कोई इस चीज़ में निकल जाएगी, फिर कोई रनिंग में निकल जाएंगी। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें अगर आपके पास हैं तो आपका इस वैकेंसी में बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। मैंने आपको कट ऑफ की बता दी, दोबारा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कट ऑफ का इसमें कितना बड़ा अंतर रहता है। ठीक है, और बाकी ऐसी बात नहीं है, इसमें बेहतरीन तरीके से तैयारी करिए। और इसमें कट ऑफ की बात और मैं बता दूँ आपको कि इसमें जो आपके लिए कट ऑफ की बात बता दूँ यहाँ पर, कि आप यहाँ पर कट ऑफ आप 120 में से 80 से 90 क्वेश्चन आप सही कर देंगे यहाँ तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, कितने पर, अगर आप 80 से आप ये मान लीजिए 85 से 90 मान लीजिए, 85 से 90 अगर प्रश्न आप सही कर देती हैं तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन श्योर, एक तरीके से आप मानिए कि आपका हो जाएगा। भले ही यहाँ पर कट ऑफ जो आप कम देखने को मिल रही है, लेकिन आप कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा करने की, क्योंकि हमें क्या दिक्कत आ रही है अगर हमारे ज़्यादा नंबर आएंगे तो। और इसके साथ साथ आपको पता ही है कि जो यूपी पुलिस का जो री एग्जाम होगा वो तो आपके पास प्लस पॉइंट है ही, भगवान न करे इसमें नहीं हुआ, मैं तो ये कह रहा हूँ हो जाए अगर आपने इसमें फॉर्म भराया तो, नहीं हुआ तो वो वैकेंसी तो आपके लिए है ही, लेकिन इसमें कट ऑफ इस वजह से कम जाती है। ठीक है, तो ये सारी अगर हाइट वगैरह ये सब आपके पास है तो इसमें फॉर्म अवश्य भरें। और वीडियो अच्छी लगी तो एक बार वीडियो को लाइक करके जरूर कमेंट करके बताएं कि आपको सारी जानकारी कैसी लगी। चैनल पर अगर नया आए हो तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको एक बार ज्वाइन कर लेना, उसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आज के लिए बस इतना ही, हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, नमस्कार, राम।